हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गागा नोड माइनिंग पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि सर गागा नोड माइनिंग जो है बंद है, स्टार्ट नहीं हो रही है। यदि आपके साथ भी यही समस्या हो रही है कि आपकी जो गागा नोड माइनिंग है वो बंद हो गई है, आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को कम्प्लीट पूरा वॉच करिएगा, जिससे बहुत ही आसानी से आप अपने गागा नोड माइनिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी की अपडेट यानी जिसमें पोटेंशियल होता है उसकी अपडेट समय समय से प्रोवाइड कराता रहता हूँ। पर डे रात 10 बजे मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव आता हूँ, वहाँ पर भी मैं आप लोगों को गाइड करने का काम करता हूँ। जो मेरी रिसर्च क्रिप्टो में दिन भर की होती है उसकी भी अपडेट वहीं पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने फ़ोन में गागा नोड का जो माइनिंग एप्लीकेशन है उसको ओपन किया हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको माइनिंग बंद नज़र आ रही होगी, यहाँ पर मेरे पर डे के क्वाइन दिख रहे होंगे। दोस्तों मैंने माइनिंग को बंद किया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप आखिर में किस प्रकार से अपने माइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी माइनिंग लगातार चल रही है, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियोस बना रहा हूं। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर, वहां से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारी माइनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं गूगल पर चल रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं गूगल पर आ गया हूँ, यहाँ पर जो है गागा नोड मैं टाइपिंग कर दिया हूँ तो ये पहली साइट ओपन हो गई। अब इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक आधे मिनट का यहाँ पर प्रोसेस लेगा, देख लीजिएगा ओपन हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्टार्ट माइनिंग, ठीक ना, स्टार्ट माइनिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट माइनिंग पर क्लिक कर देंगे फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा ये आधे एक सेकंड लगता है दोस्तों, और इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। अब आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, आप लोग भी क्लिक कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, इंस्टॉल रन का एक ऑप्शन है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो देख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। अब ये टोकन आईडी है, इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर कॉपी कर लेते हो दोस्तों, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कॉपी हो गया है। उसके बाद में आपको करना क्या है, फिर से इसी थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। चलिए फिर से मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पर जो है आपका रिवार्ड है, ठीक है ना, रिवार्ड वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रिवार्ड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर दोस्तों माइनिंग रिवार्ड आ जाता है। अब आपको माइनिंग रिवार्ड पर अपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से पेज आएगा, और यहाँ पर देख लीजिएगा माइनिंग स्टार्ट हो गई दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर आपको माइनिंग स्टार्ट दिखेगी। यहाँ पर माइनिंग देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों के सामने लाइव जो है स्टार्ट हो गई है। कुछ इसी प्रकार से आपको अपनी माइनिंग को स्टार्ट करना है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, और आप अपने माइनिंग डैशबोर्ड से अगर नहीं ऐप से माइनिंग स्टार्ट कर पा रहे हैं तो गूगल पर जा करके अपनी माइनिंग को यानी इनके साइट पर जा करके माइनिंग को स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों, तो आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर में जो मेरा माइनिंग डैशबोर्ड है यानी ऐप है उसमें माइनिंग स्टार्ट हुई है या फिर गूगल पर ही स्टार्ट हुई है। तो चलिए मैं आपको जो है अपने ऐप पर ले चलता हूँ गागा नोट के, वहीं पर दिखाता हूँ कि माइनिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं। मैं फिर से गागा नोट का जो एप्लीकेशन है माइनिंग का उस पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर भी दोस्तों मैं चेक माई रिवार्ड पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि मेरी माइनिंग जो है जो साइट पर गूगल पर स्टार्ट हुई है यहाँ पर स्टार्ट हुई कि नहीं। तो मैं चेक माई रिवार्ड पर क्लिक कर दे रहा हूँ दोस्तों। जैसे मैंने क्लिक कर दिया कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो रहा है, एक आधे सेकंड वेट कर लेते हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर भी मेरी माइनिंग स्टार्ट हो गई दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए इसमें कॉइन भी ऐड हो गया, अभी थोड़ी देर पहले 42 कॉइन थे, अब 56 हो गए दोस्तों, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से जो है अपनी माइनिंग को आपको स्टार्ट कर लेना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा और आप बहुत ही आसानी से अपनी माइनिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।